सो वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम गेमिंग मोड को टेस्ट करने वाले हैं। तो आज से 2-3 साल पहले से ही सभी फोन के अंदर गेमिंग मोड आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो। तो टेस्ट करने के लिए मेरे पास 3 कंपनीज के फोन है, रेडमी, वीवो और रियलमी। तो इन तीनों फोन के अंदर हमें गेमिंग मोड देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम रेडमी वाले फोन के अंदर कौन सा गेमिंग मोड है उससे थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो रेडमी का जो मेरे पास फोन है इसका नाम है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और इसको मैंने 2020 में परचेज किया था। तो रेडमी और पोको के फोन के अंदर हमें जो गेमिंग मोड देखने को मिलता है उसका नाम होता है गेम टर्बो। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, अगर आप इनमें कोई बदलाव करना चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सबसे नीचे आपको एडिशनल सेटिंग करके एक ऑप्शन मिलेगा और इसको ओपन करने के बाद आपको 2 सेंसिटिविटी सेटिंग्स मिलेगी। तो इन दोनों को हम फुल पे सेट कर लेते हैं। इनके नीचे हमें टच एरिया करके एक और ऑप्शन मिलता है। ज्यादातर प्लेयर्स का कहना होता है कि टच एरिया को मीडियम पे ही सेट करो। टच एरिया का मतलब होता है कि अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो और आपका क्लिक थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो फिर भी वो टच पकड़ ले। तो गेमिंग मोड के अंदर हमें सिर्फ इतने ही फीचर्स मिलते हैं, बट गेम के अंदर जाने के बाद हमें और भी फीचर्स मिलते हैं। गेम को ओपन करने के बाद राइट साइड पे अपने स्क्रीन को स्लाइड करना है और उसके बाद आपको और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, गेमिंग मोड की सेटिंग्स के अंदर जा सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे हमें एक बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ एनिमेशन बनेगा। इसमें हमें बिफोर और आफ्टर करके FPS को दिखाया जाता है। बिफोर में 50 FPS लिखा रहता है और जब हम इसको ऑन करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो हमारा FPS 59 से 60 तक चला जाता है। और इसके ऊपर हमें परफॉर्मेंस करके एक और ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन करने के बाद येलो रंग का एक एनिमेशन बनेगा और नीचे लिख के आपको आ जाएगा कि ज्यादा पावर कंज्यूम होने वाली है और आपका फोन जल्दी से गर्म भी हो जाए। बट गाइस देखने वाली बात यह है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है गेमिंग मोड विल इम्प्रूव योर गेमिंग एक्सपीरियंस नॉट परफॉर्मेंस। मतलब कि इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा, ना कि आपका गेमिंग परफॉर्मेंस। इस मोड का नाम इन्होंने रखा है परफॉर्मेंस मोड, बट इससे आपका एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। और ये फोन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, अभी के टाइम पे जो फोन आते हैं उनमें हमें काफी ज्यादा एडवांस लेवल के गेमिंग मोड मिलते हैं। एंड में मैं आपको रिव्यू के बारे में बताऊंगा कि इनको ऑन करने के बाद क्या होता है और क्या नहीं। तो अभी हम वीवो के फोन में गेमिंग मोड को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मेरे पास 3GB RAM का वीवो कंपनी का फोन है और इसको मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था। वीवो कंपनी के जितने भी फोन होते हैं इनके अंदर आपको ई-स्पोर्ट्स मोड करके एक गेमिंग मोड मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको अगर आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स दिखाई देंगे और इसी के बीच आपको ई-स्पोर्ट मोड करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको ऑन करने के बाद कुछ गेम के अंदर बदलाव होता है। इसे ऑन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में आप फोन की सेटिंग्स में आके पढ़ सकते हो। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि इसे ऑन करने के बाद गेम के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिले। और इस फोन के अंदर हमें वॉइस चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है। ई-स्पोर्ट मोड के नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा और इसमें आप किसी भी वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं अपने रियलमी वाले फोन के अंदर और इसका नाम है मेरे ख्याल से रियलमी 5 प्रो और ये फोन काफी ज्यादा पुराना फोन है, मेरे रेडमी वाले फोन से भी ज्यादा पुराना है। इसमें भी हमें परफॉर्मेंस मोड करके एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, लो पावर मोड, बैलेंस मोड और प्रो गेमर मोड। तो इनमें सबसे ज्यादा हाई जो मोड है उसका नाम है प्रो गेमर मोड। इसे ऑन करने के बाद भी यही लिखा है कि इससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। और इसके साथ हमें गेम फोकस मोड भी मिलता है। इससे होगा क्या कि आपके बैकग्राउंड के सारे ऐप बंद हो जाएंगे और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आए। तो इस टाइप के हमें हर फोन के अंदर गेमिंग मोड मिलते हैं और उनमें हमें अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सस्ते से सस्ते फोन के अंदर भी आपको अभी के टाइम पे गेमिंग मोड देखने को मिलेगा और रेडमी और पोको के अंदर आपको गेम टर्बो करके एक मोड मिलता है जो कि स्पेशली गेम के लिए होता है। तो गेमिंग मोड के रिव्यू के बारे में बात करें कि अगर इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करें हम या फिर हम इसको ऑन करें तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मोबाइल के लेजेंड्स के बारे में बता देता हूं कि उनका गेमिंग मोड के बारे में क्या कहना है, उसके बाद मैं आपको अपना रिव्यू भी बताऊंगा। तो जेरोक्स FF जब एंड्रॉइड में खेलता था तो उसने एक्सेल भाई के चैनल पे बताया था कि वो किसी भी गेमिंग मोड का यूज नहीं करता। पोको के फोन के अंदर खेलता था जेरोक्स FF स्टार्टिंग में, तो उसने कहा था कि वो किसी भी गेम टर्बो का यूज नहीं करता। और अदर सर्वर के भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि एंड्रॉइड के अंदर खेलते हैं, बट उन्होंने भी कभी भी गेमिंग मोड के बारे में नहीं बताया। और जब आप किसी भी गेमिंग मोड को ऑन करोगे तो उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि इससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, ना कि परफॉर्मेंस। और इसके साथ ये भी लिखा आता है कि इससे ज्यादा पावर कंज्यूम होगी और आपका फोन हीट भी होगा। तो हमें जितने भी गेमिंग मोड मिड रेंज के फोन के अंदर मिलते हैं उनसे कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, बट जो हाई एंड फोन होते हैं या फिर जो
स्पेशली गेमिंग फोन होते हैं उनमें आपको जो गेमिंग मोड मिलेंगे उनसे गेम के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आएगा। जैसे ROG के जो फोन है उनसे गेम के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है। तो गेमिंग मोड से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और इन वीडियोस में मैंने DPI और पॉइंटर स्पीड को भी टेस्ट किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको भी देख सकते हो।